तुम्हारा ताल्लुक तुम्हारे मामू से है लड़की, अपने आप को उनकी हद तक महदूद रखो। मुझसे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं करना, समझ गई? मुझसे फ्रेंक होने की जरूरत हरगिज नहीं। मेरा ताल्लुक सिर्फ मामू जान से तो नहीं, आपसे भी, इस घर से, इस घर की दीवारों से, सबसे है। इस घर की बात कर रही हो तुम? इस घर पर तुम कयामत बनकर टूटी हो। तुमने इस घर के रहने वालों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, और क्या चाहती हो तुम? आप परेशान ना हो, जुनेद वापिस आ जाएंगे। मुझसे ज्यादा जानती हो तुम जुनेद को? क्या जानती हो तुम जुनेद के बारे में? कुछ भी नहीं। मैं मां हूं उसकी, पैदा किया है उसे, छोटा सा था वो, पाल के इतना बड़ा किया है। जो खिलौना उसको पसंद नहीं आता था ना, वो उसे तोड़कर फेंक देता था, लेकिन पलट कर नहीं देखता था उसकी तरफ। मैं निकाह करके वहीं छोड़कर आया था ना, लेकिन तुम तो हो बेशरम, कोई इज्जत नफ्स है ही नहीं, कर यहां चली आई। और कहां जाती मैं? जुनेद ने मेरे लिए खुद इस पनागा का इंतखाब किया था। वो मजबूरी थी उसकी। अब जब वो तुम्हें धक्के मार कर इस घर से बाहर फेंकेगा ना, तो फिर ढूंढती रहना अपने लिए कोई और पनागा। मानिजन, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, अब एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती, वरना तुम्हारी शक्ल का वो हाल करूंगी ना कि तुम्हारे मामू जान भी नहीं पहचान सकेंगे, समझ गई? Go! हीट लड़की है ये। जानवरों से इतना प्यार मत किया कीजिए, इंसानों की हक तलफी होती। अगर इस मासूम को कुछ हो जाता तो? तो लगता है कि दिल नहीं है तुम्हारे पास। दिल तो है मेरे पास, बस काबू में नहीं रहता। मेरा हाथ छोड़ो। हाथ तो नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें यह भी तो बताना है कि कितना मोहब्बत करने वाला दिल है मेरा। जान दिया।
अम्मा अम्मा, अरे मेरा बच्चा, मेरा लाल, आ गया तू? कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा सही नजर नहीं आ रहे? वो तो सुबह से निकले हुए, तुम्हारा रब्ता नहीं हुआ क्या उनसे? नहीं, मैंने किया नहीं रब्ता। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारा कमरा तुम्हारी पसंद के मुताबिक डेकोरेट करवाया है। मेरी माँ ने डेकोरेट करवाया है तो अच्छा ही होगा। मुझे बताएं कि मेरे यहाँ रहने से बाबा साई को कोई मसला तो नहीं होगा? हद करते हो तुम, मसला क्या होगा, वो तो बहुत खुश होंगे। आखिर तुम उनके इकलौते वारिस हो, यहाँ रहोगे तो जमीन जायदाद के सारे मामलात तुम खुद देखोगे उनके साथ मिलके। उनके साथ मिलके क्या मतलब? अरे उनको बोलेंगे कि मुझे अब इंडिपेंडेंट करते हैं, मैं बड़ा हो गया हूँ और वैसे भी उनकी अब रेस्ट करने की उम्र है, उनको बोलें रिटायर हो जाएं। रही बात हवेली की, जायदाद की, वो मैं अकेला देख लूं। जीता रहे मेरा बेटा, जीता रहे, खुश रहे। चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखा दूं और खाना भी लगवा देती हूँ। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, अपने बाबा साई को नाराज मत कर, कोई अभी ऐसी हरकत मत करना जिससे वो नाराज हो। आखिर तो इस हवेली का वारिस है, हवेली तेरी ही हूँ। फिक्र क्यों करती है अम्मा, मैं आया क्यों, इसीलिए तो आया।